बात उनसे करते हैं कि मणिपुर में क्या हो रहा है, वो कहते हैं जी राजस्थान में क्या हो रहा है। अरे जानवर आदमी हो, राजस्थान के अपराधी कभी के जेल में पड़े हैं, बिहार के अपराधी कभी के जेल में पड़े हैं, और तुमसे मणिपुर पे सवाल करते हैं, तुम बिहार का सवाल करने लगते हो। प्रधानमंत्री को पूरे देश की चिंता है, ना कि अकेले मणिपुर की। अरे भाई एक बात तो बताओ, मुझे भूख लगी है, अब मैं रोटी क्या 4 महीने बाद खाऊंगा? अरे मणिपुर तो अब चल रहा है, सवाल मणिपुर पे होएगा। राजस्थान का मामला 6 महीने पुराना हो चुका है, अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। बिहार का मामला उससे भी पुराना हो चुका है, अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। आप अरे शर्म करो यार, डूब मरो, शर्म करो नहीं डूब मरो, इस्तीफे दे दो, तुमसे राज नहीं चल रहा है। कौन इस्तीफा दे? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे इस्तीफा दो। क्यों? मणिपुर के अंदर सरकार किसकी है, एमएलए किसके हैं, सिस्टम किसका है, ऊपर सरकार प्रधानमंत्री किसका है? प्रधानमंत्री बोला है दुख हुआ हमें सुनकर। कैसा? राजस्थान पे दुख हुआ, गुजरात पे दुख हुआ, राजस्थान पे दुख हुआ, गुजरात पे दुख हुआ, यही दुख है, यही दुख है तुम्हारा कि अगर कोई सदन के अंदर आवाज उठाता है तो उसको आप पूरे सत्र के लिए निलंबित कर देते हो, ये इंसाफ है तुम्हारा? अरे ब्रिटेन की संसद में लगातार आवाज उठ रही है मणिपुर की, ब्रिटेन की संसद में। अरे भैया वहाँ तो ये जवाब ही नहीं दे पाए, जब इनसे मीडिया ने वहाँ सवाल किया कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक परेशान है, दलित परेशान है, पिछड़ा परेशान है, तो यही मोदी जी चोरों के रास्ते, चोरी के रास्ते पीछे से निकल के भागे, मीडिया का सवाल का जवाब नहीं दे पाए। मेरा सवाल यह है कि जब विदेशों की संसद में मणिपुर की आवाज उठ रही, तो इंडिया की संसद में कब उठेगी? इंडिया की संसद में जब उठेगी, जब ये सरकार खत्म हो जाएगी, मुझे यही लग रहा है। क्यों? कि अब तक के हमने ये देखा है हमारे देश की संसद के अंदर, अगर किसी भी प्रदेश के किसी भी गांव में कोई छोटी सी बात होती है तो पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठती है, उसका जवाब दिया जाता है, उसको शांति किया जाता है। लेकिन शर्म देखो, इस सरकार में शर्म नहीं है, शर्म नाम की चीज नहीं है। डंका तो बज रहा है ना, डंका तो बज रहा है ना। काहे का बज रहा है? सारे हिंदू, पूरी दुनिया में डंका इस बात का बज रहा है कि मोदी ने हिंदुस्तान में नफरत फैला डाली है। पूरी दुनिया में डंका इस बात का बज रहा है कि हिंदुस्तान में बेटी सुरक्षित नहीं है। पूरी दुनिया में डंका इस बात का बज रहा है कि हिंदुस्तान के जो बेटियां गौरव बढ़ाती हैं, जो गौरवशाली बेटियां होती हैं, या उनके पिताजी कारगिल युद्ध जीते हुए होते हैं, उनके साथ ऐसा होता है जैसा मणिपुर के अंदर और जैसा पहलवानों के साथ हुआ। यार डंका तो बज रहा है, मगर काहे का बज रहा है प्रधानमंत्री जी? तुम्हारी तौहीन का डंका बज रहा है पूरी दुनिया के अंदर, तुम्हारी इंसल्ट हो रही है पूरे भारत के अंदर। और ये 2024 आने वाला है, ये भारत की जनता ऐसे तमाचे मारेगी तुम्हारे, इसमें वो तमाचा पता कौन सा मारती है मेरे भारत की जनता? अंगूठा दबा के तमाचा मारती है, अंगूठा दबा के विश्वगुरु बन रहा है। देखो दोस्त, इनके टाइम में मेरा देश विश्वगुरु नहीं बना है, मेरा देश विश्वगुरु पहले ही था। इन्होंने तो मेरे देश को लूटा और नोचा है, यानी विदेशों से कर्जा लिया, कर्जा लेके वो पैसा अपने प्रचारों पे खर्च किया, आज मेरे देश की जनता को कर्जदार बना दिया। इनके डंके बज रहे हैं इस तरीके के, सारे उल्टे काम इनके ऊपर जुम्मा है। यानी के आज मणिपुर के अंदर देखो, एक समुदाय को सरकारी रैफले दे रखी हैं, तो दूसरे समुदाय क्या समझेगा? ये रामराज है, यानी ये रामराज है कि एक समुदाय पे सरकारी रैफले हैं और मीडिया इनकी दिखा रही है, एक समुदाय पे सरकारी विकल्प, सरकारी मशीनरी, सरकारी बंदूकें, और एक समुदाय इनके मुंह को तक रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा। अरे आज पता है, इस प्रधानमंत्री में अगर शर्म है, इस सरकार में अगर शर्म है, तो मणिपुर की आग बुझाना जरूरी है। मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ तनवीर भारती तुम्हारे साथ, मणिपुर मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। आ मनोज तिवारी, देख मैं मैसेज तो समझता नहीं हूँ, मुझे फोन कर, मेरा नंबर है 93-54-29-32-88, मुझे फोन करके बुला मनोज तिवारी, मैं चलता हूँ तेरे साथ मणिपुर। कौन कहता है मणिपुर में शांति नहीं आ सकती? आप जेल जाएंगे। देखिए मनोज तिवारी को चुनौती दे रहे। अरे यार वो नकली झूठा इंसान,
अरे झूठा इंसान है यार, मैं नहीं मानता, ठोकर पे रखता हूँ ऐसे सांसद को मैं जो झूठ बोलता हो, जो नफरत फैलाता हो, जो देश में आग जलाता हो। अरे यार चीटिंग से जीते हैं, छोड़ो चीटिंग से जीते हैं, वो भी तीन जगह वोट बट गए थे उनकी बार, अब आ रहा है 2024, अभी बताते हैं ऐसे तमाचे बजाएंगे कि मेरे दोस्त बिहार से इधर नजर नहीं आओगे। मनोज तिवारी, अमीर भारती को डर नहीं लगता है? नहीं, क्यों डरूंगा मैं? मैं झूठे से नहीं डरता, मैं झूठे से नहीं डरता, मैं चोरों से नहीं डरता, मैं देश को जलाने वालों से नहीं डरता, मैं देश में नफरत फैलाने वालों से नहीं डरता। मणिपुर जाएंगे? हाँ जाऊंगा, वो मनोज तिवारी चले मेरे साथ, हम शांति फैलाएंगे मणिपुर के अंदर, मैं तैयार हूँ। शांति कैसे करेंगे? हाथ जोड़ेंगे उनके आगे, हाथ जोड़ेंगे, आप सब हमारे भाई हो, आपस में लड़ो मत, जो हो लिया खत्म करो इस बात को, ये राजनीति वाले लोग तुम्हें लड़ा के चले जाएंगे, सदियों तक नफरत रह जाएगी। जब गृह मंत्री को वहाँ नहीं चली तो आप भी कैसे चलेगी? भाई इन लोगों ने कोशिश नहीं की, इन्होंने क्या करा है? शांति करने देखिए भाई, गृह मंत्री गए अपने लोगों में, गए अपने लोगों को जाकर रेफले थमवाया है, दूसरा पक्ष देख ही रहा है इनकी तरफ को, वहाँ तो गए ही नहीं है, दोनों पक्षों से मिलते ना, दोनों को शांति का पैगाम देते ना। आखिरी सवाल यह है कि जो महिलाओं के साथ जिन्होंने भी एक कर्म किया है, क्या आरोपी है? हजारों लोग थे वो, उनको क्या सजा मानते? हजारों लोग थे वो, पांच लोग नहीं थे, इन जालिमों ने खाना पूर्ति करने के लिए पांच आदमी पकड़ कर बंद कर दिए, और पता नहीं वो भी सच्चे थे या झूठे थे। इस तरह की न्याय की मांग करते हैं, उन सबको गिरफ्तार करो, और सबसे बड़ी बात है आप जो है मणिपुर के अंदर शांति बहाली करो, शांति बहाल करो, और शांति बहाल कैसे होगी? देखो उनके बीच उतरना पड़ेगा, उनके बीच पहुंचना पड़ेगा, और जब तक उनके बीच हम नहीं पहुंचेंगे शांति बहाल नहीं हो सकती। दूर खड़े होकर, दूर पार्लियामेंट में बैठकर, पार्लियामेंट से बाहर बात कर, और एक बात और, पार्लियामेंट के अंदर या राज्यसभा में जो आदमी आवाज़ उठाए उसकी आवाज़ को दबाया ना जाए, ये गलत हो रहा है, संविधान तोड़ा जा रहा है, यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मैं बताना चाहता हूँ इस सरकार को, अब वक्त बहुत आगे के लिए तुम्हारे लिए खराब है, सुधरना चाहो तो सुधर जाओ। जय हिंद जय भारत, मैं तन्वी भारती।